बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब रेलवे विदाउट टिकट ट्रेवल करने वालों पर काफी सख्त हो गया है, जिसकी जीती जागती मिसाल हाल ही में देखने को मिली है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने एक चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें केवल 18 घंटे के अंदर ही रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से पूरे 68 लाख रुपए की वसूली की है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये स्पेशल टिकट चेकिंग समस्तीपुर मंडल में सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यानी 18 घंटे के लिए की गई थी। सबसे खास बात तो ये है कि ये वसूली इस वित्त वर्ष के एक दिन में जुर्माने का सबसे बड़ा अमाउंट है। इससे पहले भी 18 और 15 नवंबर को समस्तीपुर मंडल में इसी तरीके का चेकिंग अभियान चलाया गया था। आपको बता दें कि बिना टिकट के चलने वाले यात्रियों के कारण न सिर्फ बाकी यात्रियों को दिक्कत होती है, बल्कि भारतीय रेलवे को करोड़ों का हर साल नुकसान होता है। ऐसे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से रेलवे कई गुना ज्यादा जुर्माना वसूल करता है। इस नुकसान वसूली के लिए ही रेलवे समय समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाता रहता है। इसके साथ रेलवे ये अनुरोध भी करता रहता है कि वो हमेशा वैलिड टिकट लेकर ही ट्रेन में यात्रा करें। इससे आप असुविधा से बचते हैं और रेलवे को भी आर्थिक नुकसान नहीं होता है। भारतीय रेलवे को देश के आम लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कई तरह के प्रयास करता रहता है।